नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में चल रहे सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर सीएम रावत ने दिए कड़े निर्देश। सफाई कर्मियों को मांगों के लिए हड़ताल ना करने की सीएम रावत ने कही बात। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने किया केदारनाथ का दौरा, यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो वहीं चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का पुलिस अपर महानिदेशक अशोक कुमार ने भी लिया जायजा। केदारनाथ यात्रा के पड़ावों पर स्थानीय लोगों से लिए फीडबैक। उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी के बाद केदारकंठा ट्रैक की बुकिंग में बढ़ोतरी। देहरादून में सफाई कर्मियों की मांग को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हड़ताल पर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्मचारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को भी सुना, बातचीत कर 2-4 दिन का समय मांगा है और साथ ही संयम बरतने के लिए यहां पर कर्मचारियों से कहा गया है। वहीं कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे कोई भी डिमांड नहीं की गई है। अगर कोई भी जायज डिमांड है तो सरकार उसे सुनने के लिए तैयार है और उसे पूरा जरूर करेगी। तो देहरादून में सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्मचारियों से संयम बरतने को कहा है। साथ ही आज कर्मचारियों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही 2-4 दिन के अंदर समस्या का हल का आश्वासन यहां पर कर्मचारियों को दिया है। देहरादून में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल को देखकर जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से राजधानी की सड़कें गंदगी से पट गई हैं। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कर्मचारियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन यहाँ कर्मचारियों को दिया है। देखिए, ये टेम्पररी फेज है और मैंने जिलाधिकारी को कहा है, मंत्री जी ने भी उनको बुलाया है। उन्होंने कहा कि भाई आप बात करिए, हमको 2-4 दिन का समय दीजिए। उनकी जो डिमांड है, कोई हमने उनसे इस साल में कोई भी वायदा हमने उनसे नहीं किया और उन्होंने भी हमसे कभी इस तरह की डिमांड नहीं की है। और इसलिए अगर उनकी कोई जायज डिमांड है तो उसको सरकार सुनने के लिए तैयार है, उनका हल भी निकालेगी। लेकिन इस तरह से हड़ताल पर चले जाना, मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और शहर के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक व्यवस्था है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस काम को एक विशेष लोग ही इस काम को करते हैं और इसलिए ये दिक्कत है। लेकिन इस तरह की अगर हड़तालें होती हैं तो सरकार को फिर मैकेनाइज सिस्टम पर आगे चलना होगा, तैयारी करनी होगी। वहीं रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने केदारनाथ धाम का दौरा कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने GNVN में जाकर खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में भंडारा करने वाली जगहों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को माल्टा, बुरास और आंवले का जूस रखने को कहा है, जिससे यहाँ के उत्पादों को पहचान मिल सके। स्थानीय उत्पाद से निर्मित प्रसाद को पूजा की थालियों पर सजा कर देने को कहा गया है। इसके अलावा हाल ही में आरंभ की गई लाउड स्पीकर सिस्टम जैसे मुख्यालय के साथ ही केदारनाथ के पैदल यात्रा के विभिन्न पड़ावों से संचालित किया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया।
बता दें कि अगर कोई यात्री अपने ग्रुप से अलग हो जाता है या किसी का कोई सामान खो जाता है तो वो अनाउंस करवा सकता है, जिससे तत्काल प्रभाव से संबंधित पड़ावों के सेक्टर मजिस्ट्रेट कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं का जायजा रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल द्वारा लिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने GNVN में जाकर खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया कि किसी तरह के कोई मिलावट का इस्तेमाल तो यहां पर नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही केदारनाथ में भंडारा कराने वाली जगहों का भी निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों को महत्ता देने के लिए यहां पर जिलाधिकारी ने कहा है। केदारनाथ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, तो मुख्य रूप से जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि लाइन का किस तरह से क्यों मैनेजमेंट किया जाए, तो उसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। और BKTC से भी ये निष्कर्ष निकला है कि पुलिस अगर जरूरत पड़ती है तो वो अंदर से भी क्यों मैनेजमेंट करेगी। लोकल प्रसाद भी सभी व्यापारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो कंपल्सरी रूप से वो लोकल प्रसाद बेचेंगे। लोकल फलों का जूस जो है, माल्टा और बुराश का, सभी दुकानदारों के लिए भी कंपल्सरी किया हुआ है। कुछ लोगों ने अभी नहीं रखा है, उनको निर्देश दिए कि अगले 2 दिन के अंदर वो भी लोकल जूस रखें ताकि यात्रियों को हमारे यहाँ। तो वहीं चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले पुलिस अपर महानिदेशक अशोक कुमार ने भी केदारनाथ धाम समेत केदारनाथ यात्रा मार्गों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ यात्रा के पड़ावों पर स्थानीय लोगों से भी फीडबैक लिए। AG ने कहा कि केदारनाथ की यात्रा इस समय चरम पर है, इसी के दृष्टिगत यात्रियों को सकुशल यात्रा करवाना हमारा दायित्व है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर तैनात है और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। गुप्तकाशी में व्यापारियों के साथ यात्रा बैठक में स्थानीय लोगों ने AD को विभिन्न समस्याएं अपनी बताई। स्थानीय लोगों ने गुप्तकाशी में पहले की तरह प्रीपेड एवं बायोमेट्रिक काउंटर लगाने की मांग की है। साथ ही पुलिस को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने और गुप्तकाशी में फायर और एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की भी मांग की। इस पर AD ने तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया है कि जिला स्तर के मामलों को तत्काल रूप से हल किया जाए और शासन स्तर के मामलों को शासन पर में प्रमुखता के साथ रखा जाए। तो चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा पुलिस अपर महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा भी लिया गया। केदारनाथ समेत केदारनाथ यात्रा मार्गों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा यहां अशोक कुमार द्वारा लिया गया। इसके साथ ही पुलिस अपर महानिदेशक अशोक कुमार ने केदारनाथ यात्रा के पड़ावों पर स्थानीय लोगों से भी फीडबैक लिए। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर पुलिस की तैनाती की गई है और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिया गया है। हम लोग पिछले कल से मैं निकला हूँ। कल हम टेरी जनपद का दौरा किया, आज जो है पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद का दौरा किया। तो जितने भी रूट के अरेंजमेंट्स हैं, पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं या बाकी भी चारधाम की व्यवस्था, उनके बारे में पब्लिक से भी फीडबैक लिया, उनसे भी बात की, उनके भी सुझाव लिए, उनकी भी समस्याएं सुनी और पुलिसकर्मियों से भी बात की। केदारनाथ तक भी मैंने वहाँ पर बात की कि हमारे पुलिसकर्मी किन कंडीशंस में रह रहे हैं और उनको क्या समस्याएं हैं और पब्लिक के क्या इश्यूज हैं, उन सब पे बातें हुई और हमने जो आवश्यक निर्देश थे वो पुलिस को भी दिए और जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था है उसको करने की ओर एक कदम है ये जो विजिट है कि पुलिस के सभी प्रबंधों की समीक्षा और पुलिस के प्रबंध और बेटर हो सके। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड की बाकी खबरों की। उत्तरकाशी में बीते दिनों प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटन और ट्रैकिंग व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग व्यवसायियों का कहना है कि जब से बर्फबारी हुई है तब से डोडीताल सहित दायरा ब्रह्मीताल के दारकंठा ट्रैक के लिए बुकिंग बढ़ गई है। ट्रैकर्स की माने तो इन दिनों बुग्यालों में अच्छी बर्फ जमी है, जिससे ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग ट्रैकिंग व्यवसायियों से जानकारी ले रहे हैं। स्नो स्पाइडर के भागवत सेमवाल का कहना है कि मई में बर्फबारी बहुत सालों बाद हुई है, लेकिन बर्फबारी से इस बार बुकिंग बढ़ने लगी है। ये आसार पर्यटन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा बुग्याल हैं। तो उत्तरकाशी में बीते दिनों प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटनों आपको बता दें कि पर्यटक के चेहरे खुल उठे हैं, साथ ही व्यवसायी भी इस बर्फबारी के बाद खासे खुश हैं। पर्यटन और ट्रैकिंग व्यवसायियों का कहना है कि इस बर्फबारी के बाद बुकिंग बढ़ गई है। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग, जब से बर्फबारी हुई है तब से डोडीताल सहित दायरा ब्रह्मीताल केदारकंठा ट्रैक के लिए बुकिंग बढ़ गई है। पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा यहां आना चाहते हैं। वहीं ट्रैकर्स की माने तो इन दिनों बुग्यालों में अच्छी बर्फ जमी है, जिससे ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग ट्रैकिंग व्यवसायियों से जानकारी ले रहे हैं। साथ ही ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड का रुख किया जा रहा है। वहीं भागवत सेमवाल ने बताया कि मई में बर्फबारी बहुत सालों बाद हुई है, लेकिन इस बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा बुग्याल हैं। तो बहुत सालों बाद मई में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिली है, और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। आपको बता दें बर्फबारी के बाद से बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है ट्रैकिंग के लिए। खासकर पर्यटक ट्रैकिंग के लिए उत्तरकाशी का रुख कर रहे हैं। डोडीताल सहित द्वारा ब्रह्मीताल केदारकंठा ट्रैक की बुकिंग बढ़ गई है। वहीं ट्रैकर्स की माने तो इन दिनों बुग्यालों में अच्छी बर्फ जमी है, और उत्तरकाशी प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा बुग्याल है। इस समय हमारे पर्यटक आ रहे हैं, और जो परसों जो बारिश की है, बारिश के साथ हमारे बुग्यालों में और पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई है, उससे जो है कि बहुत खुश हुआ है, क्योंकि वो बहुत कम इस टाइप का उनके सामने होता है जब स्नोफॉल हो रहा हो, जो प्लेस में रहते बेचारे। तो जब उन्होंने वो बर्फबारी देखी तो बड़े खुश हो गए हैं, और उससे हमारे काफ़ी हमें निपाती आ रही है हमारे पास, और लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे बर्फ। सबसे राजधानी दून में जहां एक और सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सफाई कर्मियों को पहले अपने काम पर लौटना होगा, तभी जाकर प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को सुना जाएगा। वहीं कर्मचारियों के अध्यक्ष राजेश ने कहा कि प्रशासन के साथ साथ कर्मचारियों ने दो बार मांगों को लेकर चर्चा की, लेकिन प्रशासन के रवैये के चलते मजबूर होकर हड़ताल पर जाने का कदम यहां कर्मचारियों को उठाना पड़ा। हालांकि यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को प्रशासन के साथ सभी कर्मचारियों की बात हुई है, उसी के बाद कोई फैसला आगे लिया जाएगा। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। जगह जगह राजधानी की सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन के रवैये के चलते ही आखिरकार हड़ताल पर जाने का फैसला कर्मचारियों द्वारा लिया गया। सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को पहले उनकी मांगों को सुनना होगा, उसके बाद ही वो अपने काम पर लौटेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्मचारियों से काम पर लौटने के लिए कहा है, साथ ही दो चार दिन में उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी यहां कर्मचारियों को दिया है। अब देखना होगा कि सीएम के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटते हैं या नहीं, ये हड़ताल खत्म होती है या नहीं, आम आदमी की परेशानी खत्म होती है या नहीं, और राजधानी की सड़कें साफ होती हैं या नहीं। तो सफाई कर्मचारियों के
हड़ताल ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। जगह जगह कूड़े का अंबार लग गया है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को उनकी मांगों को सुनना होगा, उसके बाद ही वो काम पर लौटेंगे। हालांकि आज सीएम के आश्वासन के बाद कर्मचारियों का रुख हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा नरम पड़ जाए और काम पर यहां पर कर्मचारी लौट आए। चार सौ आठ का एक आ रखा था इनका जियो ना, कि 408 को समिति वालों को 408 को डिलीवरी कर दीजिए, वो इन्होंने 18 महीने तक लटकाए रखा। उसमें ये कह रहे हैं कि शासन में कुछ एक दूसरा कोई जियो आया उसमें उसके अधीन कुछ गड़बड़ है। चलो हम मानते हैं, हमारा कहना ये है जो न्यूनतम जो मजदूर है 275 की, आप वो तो दे सकते हो, हम लोग इतना गंदा काम कर रहे हैं। उसमें भी वो लोग कह रहे हैं कि ना पहले आप हड़ताल खत्म करोगे, तक भी जवाब में सरकार कोई पहल शासन प्रशासन ने नहीं की है। सिर्फ हमें यही दिए कहा जा रहा है कि आप जो है हड़ताल समाप्त करिए, इससे आगे बात वो लोग नहीं बढ़ा रहे। हम तो बहुत बात आगे बढ़ा रहे हैं, हम तो बिल्कुल जा रहे हैं, जैसे कोई बुला रहे बिना बुलाए भी हम लोग जा रहे हैं। अभी यही इसी विषय में वार्ता चलती है हमारी, 2 बजे हम एक मीटिंग और करेंगे हम आपके कर्मचारियों की। देहरादून पुष्पक ज्योति पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल द्वारा बताया गया कि अगले 2 दिनों में मौसम विभाग द्वारा आंधी तूफान के साथ पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसको देखते हुए गढ़वाल रेंज के 7 जनपदों प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। जनपद पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चारधाम यात्रा इस समय पीक पर चल रही है। सभी जनपद प्रभारी अपने अपने जनपदों में इस समय आपदा टीम, पर्यटन पुलिस, अपने अपने जनपदों में समय आपदा टीम, पर्यटक पुलिस, यातायात व्यवस्था, हिल पेट्रोल यूनिट, जल पुलिस टीम के साथ मुस्तैदी बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही मौसम विभाग, बीआरओ और अन्य विभागों से समन्वय कायम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में एक बार फिर से आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसको देखते हुए गढ़वाल रेंज के 7 जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं अपने अपने जिलों में आपदा टीम, पर्यटन पुलिस, यातायात व्यवस्था, हिल पेट्रोल यूनिट, जल पुलिस टीम के साथ समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मुस्तैदी बरतने का निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। देहरादून, आपको बता दें कि उप महानिरीक्षक पुष्पक ज्योति द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से एक बार फिर से प्रशासन की मुस्तैदी प्रदेश में दिखाई दे रही है। आज के लिए, कल के लिए भी हैवी तूफान का था मैसेज और आज के लिए भी है, तो आज सबको मैंने अलर्ट जारी किया और खासकर नोडल अधिकारी जो हमारे एसएसपी टिहरी, एसएसपी पौड़ी है, उनसे भी निर्देशित किया गया है कि समय समय पर 2-2 घंटे में सूचना लेते रहे। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी के धाम खुले हुए हैं, तो उस रूट में कहीं कोई अवरोध तो नहीं है। यदि अवरोध है या लैंडस्लाइड है या कोई पेड़ गिरा है, तो जहां पे स्टैगरिंग करनी है यात्रा को, जहां पे थोड़ा सा ब्रेक देना है, वो बात करके करवाएं, इंश्योर करें। और सभी को जनरल अलर्ट भी है हरिद्वार, देहरादून को भी, क्योंकि कल एक आध पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं चमोली में, देहरादून में और हरिद्वार में, तो इसके तहत सभी अलर्ट हैं। एसडीआरएफ, थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड सब अलर्ट। इसके साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और हर बार स्वास्थ्य विभाग कुछ न कुछ चर्चाओं में रहता है अपनी कमियों को लेकर के। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चार धाम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पिछले साल की अपेक्षा हमने इसमें कई चीजें बढ़ाई हैं। पिछली यात्रा का कोई ऐसा डाटा आपके विभाग के पास हो जिसके आधार पर आपने अपनी कार्य योजना बनाई हो कि इस बार उसको कम किया जाए और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके साथ कोई भी ऐसी
घटना दुर्घटना कोई मिस हैपन ना हो। पिछली यात्रा के डाटा हमने एनालाइज किया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो हम वहीं से उनको मेडिसिन दे देंगे और उनको निर्देशित कर देंगे कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती तो किस तरह से वो मेडिसिन खा पाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन वह चिकित्सक नहीं है। हमारे पास अभी हमने 440 पदों के लिए विज्ञप्ति जाहिर करी गई थी, जिसके अगेंस्ट हमने 424 डॉक्टर्स ने हमें अपनी नियुक्ति दी है और इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। फेस टू फेस में इस बार उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव 19 मई शनिवार शाम 6 बजे साधना उत्तराखंड के स्टेट हेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ सिर्फ साधना प्लस पर।